कांगड़ा डांस कंपटीशन में सुजानपुर शहर की नन्ही 6 वर्ष की आश्री महाजन ने भाग लिया और अपने डुमकों का जादू बिखेर कर पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके बाद लोगों द्वारा आश्री महाजन को बधाई दी जा रही है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट सुजानपुर के राजन मेहता से। कांगड़ा डांस कंपटीशन जो ऑनलाइन हाल में ही संपन्न हुआ है, उसके विजेताओं की सूची जारी होते ही सुजानपुर में मुबारकों का माहौल जो है शुरू हो चुका है। आज जो आश्री महाजन ने द्वितीय स्थान हासिल करके न केवल सुजानपुर का नाम को रोशन किया है, बल्कि जो इस नन्ही की बच्ची ने जो ठुमके अपने लगाए हुए हैं उसका नाम उससे भले ही लोगों का दिल जीतती नजर आई है। इससे केवल ना केवल प्रदेश में 8800 व्यूज इसे मिलने के कारण कांगड़ा डांस कंपटीशन में से द्वितीय स्थान मिला है। आज हम आश्री महाजन से बात करेंगे कि क्या इन्होंने किस गाने पर इन्होंने डांस किया है, किस गाने पर आपने बेटी डांस किया है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, वहाँ से सीखा, क्या कारण है? मम्मा ने सिखाया आपको? कौन से गाने पे सिखाया है आपको गाना? स्कूल नहीं जा रहे हो आजकल बेटे, तो उसकी वजह से आपने डांस सीखा कि क्या कारण था कि मन में पहले से इच्छा थी आपको? आगे और मंच पे जाना है आपको क्या? कौन से मंच पर जाओगे? बड़े मंच पे क्या? यहाँ पे प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप कि स्कूलों में डांस कंपटीशन होने चाहिए? क्या होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके। आश्री महाजन है, मात्र 6 साल की बेटी है, उसने भी गुहार लगाती नजर आई है प्रदेश के मुखिया से कि जो डांस कंपटीशन जो चलते हैं वो हिमाचल में होने चाहिए, ताकि जो प्रतिभाएं हैं छोटे छोटे जो कस्बे हैं प्रदेश के, वहाँ से जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं वो निखर के सामने आए और उन्हें मंच मिले, ताकि जो आने वाले टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी प्रतिभाओं को ऐसे ही ना मिल जाए। शाबाशी महाजन को बधाइयों का दौर जो है जो सुजानपुर के लोग हैं वो देते नज़र आ रहे हैं, और उनकी प्रेरणा से अन्य बच्चे भी उससे सीख लेते नज़र आ रहे हैं कि कहाँ से आपने ये डांस सीखा हुआ है और किस अकेडमी से सीखा हुआ है। लेकिन इन्होंने साफ इनकार करते नज़र आ रही हैं कि इन्होंने अपनी मम्मा से ही ये डांस सीखती नज़र आई हैं। राजन मेहता के लिए स्टूडियो के लिए कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ राजन मेहता, सुजानपुर।